हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपनी टॉप एक्टिविटी ऐप का पैकेज नेम किस तरह से गेट कर सकते हैं। सो गाइस, इसको गेट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी के टाइम पे हमारे यूज़र ने अपने डिवाइस के अंदर कौन सी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, एंड इस पैकेज नेम की हेल्प से हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन या फिर उसको क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी के ऊपर जो हमारा फोल्डर है माई एप्लीकेशन का, इस पर राइट क्लिक करता हूँ एंड देन हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम जावा क्लास पर क्लिक कर देते हैं। तो इस क्लास का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ एंड इसके अंदर हम यहाँ पर एक मेथड को क्रिएट करेंगे जो कि हमें हमारी टॉप एक्टिविटी ऐप का पैकेज नेम है रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक एंड उसकी रिटर्न टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी, क्योंकि हमें जो पैकेज नेम है वो स्ट्रिंग के अंदर चाहिए। तो मैं इसका नाम देता हूँ गेट टॉप एक्टिविटी पैकेज नेम एंड इसको मैं यहाँ पर, इसके अंदर हमें एक पैरामीटर चाहिए होगा कॉन्टेक्स्ट का, क्योंकि हम इसे मेन एक्टिविटी के अंदर यूज करेंगे तो वहां से हम इस कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर रिटर्न नल कर देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप भी पास करनी होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर एक्टिविटी मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्टिविटी मैनेजर विल बी इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस एंड इसके अंदर हम यहाँ पर पास करते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्टिविटी सर्विसेज एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इसे क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पर हमें इसे कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट इंसर्ट पर क्लिक करके इसे यहाँ से कास्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे अभी टास्क जितने भी परफॉर्म हो रहे हैं वो सभी आ जाएंगे एंड इसके अंदर हम यहाँ पर एक कंडीशन को फिट करेंगे कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही रीसेंट टास्क चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिस्ट को क्रिएट करता हूँ जो कि हमारी होगी रीसेंट टास्क इन्फो टाइप की एंड यहाँ पर इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट विल बी इक्वल टू एक्टिविटी मैनेजर जो हमने ऊपर क्रिएट किया है डॉट गेट रीसेंट टास्क एंड इसके अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर कितने टास्क चाहिए, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही टास्क चाहिए। देन हम यहाँ पर लिखते हैं एक्टिविटी मैनेजर डॉट रीसेंट विद एक्सक्लूडेड। देन उसके बाद हमारा जो रीसेंट टास्क होगा वो इस लिस्ट के यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड देन हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हमारी ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी है या फिर नहीं। एंड अगर हमारी ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं होती है देन हम यहाँ पर इसका पैकेज नेम गेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ इफ़ लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल देन हम यहाँ पर लिखते हैं रीसेंट टास्क इन्फो एंड रीसेंट टास्क इन्फो विल बी इक्वल टू जो हमारी लिस्ट थी लिस्ट डॉट गेट एंड यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे जो हमारी टास्क होगा वो यहाँ पर रीसेंट टास्क इन्फो के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड यहाँ से हमारा जो पैकेज नेम है हम उसे रिटर्न कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न रीसेंट टास्क इन्फो डॉट बेस एक्टिविटी बेस इंटेंट यहाँ पर लिखते हैं हम बेस इंटेंट डॉट गेट कंपोनेंट डॉट गेट पैकेज नेम एंड यहाँ पर जो हमारी टॉप एक्टिविटी ऐप का जो पैकेज नेम होगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। एंड अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर एंड वहाँ पर हम इसे इनिशियलाइज़ करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग कैट के अंदर इसे प्रिंट कराएंगे ताकि हम देख सकें कि हमारा जो ऐप का पैकेज नेम है टॉप एक्टिविटी ऐप का जो पैकेज नेम है वो क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारी जो एक्टिविटी का नाम है टॉप एक्टिविटी डॉट गेट टॉप एक्टिविटी पैकेज नेम एंड यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट को पास करते हैं जो कि है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। इसे स्ट्रिंग में चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग पैकेज नेम ऑफ टॉप एक्टिविटी ऐप विल बी इक्वल टू देन अब हम यहाँ पर इसे लोग कैट में प्रिंट करते हैं ताकि हम इसे चेक भी कर सकें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोग डी एंड यहाँ पर हम ऑन क्रिएट को यहाँ पर इरेज करते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं पैकेज नेम ऑफ टॉप एक्टिविटी ऐप एंड यहाँ पर इस टैग को मैं रिप्लेस करता हूँ पैकेज के साथ क्योंकि हम इस टैग की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकेंगे अपने लॉग कैट के अंदर। तो यहाँ पर हमारा सभी काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या हमें यहाँ पर पैकेज नेम जो है वो शो हो रहा है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ एंड इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पर अपने लॉग कैट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो रन हो चुका है। तो हम यहाँ पर उसी टैग को अप्लाई करते हैं पैकेज एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये वही पैकेज वाला टैग है एंड इसके अंदर हमारी जो है कॉम डॉट प्रोग्रामर डॉट माई ऐप की जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। तो अभी के टाइम पे हमारा जो ऐप है वो अभी टॉप एक्टिविटी ऐप है तो इसका जो पैकेज नेम है वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो इसी तरह से आप टॉप एक्टिविटी ऐप के पैकेज नेम को गेट कर सकते हैं। सो गाइज, यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।